जौनपुर शहर के बड़े सराफा कारोबारी और प्रतिष्ठित कीर्ति कुंज फर्म के एमडी के घर व ऑफिस में आईटी ने छापेमारी की है। आईटी की इस कार्रवाई से शहर भर में हरकंप मच गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के चहरासू चौराहा स्थित नन्हे लाल सेठ की दुकान है। वह कीर्ति कुंज के विभिन्न फर्मों के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसी दुकान के पास उनका मकान भी है जिसमें सभी फर्मों के ऑफिस हैं। आज सुबह करीब 8 बजे आयकर विभाग की टीम स्थानीय पुलिस के साथ छापेमारी के लिए पहुंची तो पूरे इलाके में हरकंप मच गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी दीपक जी बताएं क्या है पूरा मामला। जी आपको बता दें कि आज जनपद जौनपुर के फार्म कोतवाली क्षेत्र के थाना क्षेत्र के स्थित कीर्ति कुंज ज्वेलर्स पर आयकर विभाग ने छापा मारा है और लगभग ये छापा 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली। और आपको बता दें कि कीर्ति कुंज ज्वेलर्स सराफा कारोबारी बड़े प्रतिष्ठित कारोबारी है और शहर कोतवाली के क्षेत्र के चारसू चौराहे पर स्थित है। नन्हे लाल सेठ की दुकान है और वह कीर्ति कुंज के विभिन्न फर्मों के मैनेजर डायरेक्टर भी है। इसी दुकान से सटा उनका मकान भी है जिसमें सभी फर्मों की एक ऑफिस है। आज सुबह ही जब करीब 8 बजे आयकर विभाग की टीम स्थानीय पुलिस के साथ छापेमारी करने कीर्ति कुंज ज्वेलर्स के फर्म पर पहुंची तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जनपद के ही सॉल्ट एंड नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता जो कि शराब के बड़े कारोबारी हैं उनके यहाँ भी आईटी विभाग ने छापेमारी की थी। लगभग 3 दिन तक छापेमारी की थी तो कहीं न कहीं कीर्ति कुंज ज्वेलर्स और भाजपा नेता ओम प्रकाश जायसवाल के बीच के कुछ कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है। जी धन्यवाद जी।